लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अगर दोबारा गलती की तो लात मार के बाहर निकाल दूंगा। काम चोर के। अबे खा जा, चल जा। कबूतर की औलाद कद में 1.5 फुट की जाए और बाप 5 फुट की करता जी जाता मैं इसकी। अस्सलाम वालेकुम जरा जी की आप कहाँ से टपक पड़े? कोई टपका नहीं, पेशावर से टिकट लेकर आए। वो लिखान इधर काम करता था मालूम? हाँ हाँ मालूम है, वो पेशावर गया और तुम भी टिकट लेकर वापस जाओ। ओए बिरादर पहला गुफ्तगू तो सुनो। गुफ्तगू सुनानी है तो अंदर जाकर खेकड़े को सुनाओ। खेकड़ा? अरे वो तो पानी में होते बिरादर। ये साला खेकड़ा कुर्सी से आकर चिपक गया है, मैनेजर बनकर बैठा है। अंदर जाकर उससे बात करो। उसको पहचानेगा कैसे? मेंढक देखा? हाँ हम तो बहुत देखा है। बिल्कुल वैसी ही सूरत है, 2 फीट 6 इंच वाला एक ही नमूना। वो देखो जाओ। ओए शुक्रिया रे लाले दी जान, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम केकड़ा साहब। क्या बोला? अरे सलाम बोला। सलाम के बाद क्या बोला? आपका नाम बोला। हमारा नाम क्या बोला? खेकड़ा साहब। हमारा नाम खेकड़ा? हमारा नाम खेकड़ा। कौन बोला हमारा नाम? अबे किस गधे ने तुमको बोला हमारा नाम खेकड़ा है? गधा नहीं, वो तो आदमी था जो बोला। हमारा नाम खेकड़ा बोला? हम बोलता है बकवास बंद करो। तुम अपना सामान बंद करो, नहीं तो हम तुमको गठरी बना के बाहर फेंक देगा। तुम हमको गठरी बना के बाहर फेंक देगा? तुम्हारा बाप कर रहा है जो तुम गठरी बना के बाहर फेंक रहा। चलो बाहर निकलो। तुम अंदर बाहर जाने का क्या बात करते है? हम तो पेशावर से आया है। वो अली खान हमारा बिरादर हमको इधर बातचीत पे भेजा है। हम तो नौकरी के लिए आया है। नौकरी के लिए? तुम्हारे लिए इधर कोई नौकरी नहीं है। चलो बाहर जाओ। नौकरी नहीं है तो हम किधर जाएगा? जहन्नम में जा। समझा? आइए खान साहब। खान साहब आज जो आपने हमारे खेकड़ा साहब की चंपी की उसे देखकर जी चाहता है आपका हाथ चुभ लो। वो तो ठीक है लेकिन हमारे नौकरी का क्या होगा? खान साहब नौकरी के मामले में आप बहुत कच्चे हैं। कोई क्या मतलब? आपको दांव पेच नहीं आते। सुनो ये सुसरा बहुत लालची है, इसको चाय पानी और मस्का पालिश करो। वही चाय पानी तो समझा लेकिन ये मस्का पालिश का है? अरे भाई मक्खन लगाओ। मक्खन लगाओ? मक्खन लगाएगा तो नौकरी मिलेगा एकदम। अरे फिर तो अंदर आए। अरे सही, हम चाय पानी लाया है। वो तो हमको भी दिखता है चाय पानी लाया। अरे जरा घूमो ना लाले पीछे। क्यों? अरे जरा घूमो ना। काय को बोले? अरे घूमो ना। लो घुमा। क्या बोलो? हाँ बोलेगा नहीं अभी करेगा। क्या करेगा? ये देखो। ओ ये क्या होता है? ये क्या करता है? हाँ तुम करना क्या बनता है? करना नहीं बनता है। ये देखो ये क्या लाया है हम। ये क्या है? ये मस्का है। हाँ वो तो दिखता है हमको मस्का है मगर तुम करना क्या बनता है? करना नहीं बनता है, लगाना बनता है। किसको लगाना बनता है? आपको नौकरी मिलेगा तो पोलिस लगाएगा तो नौकरी मिलेगा। ये सब क्या है सर? ये कहाँ से चला है? हमको मस्का लगा रहा है और हमने आगे जाके क्या क्या करेगा? क्यों खान तुमने ऐसा क्यों किया? वो हमारा बिरादर बोला कि मस्का पॉलिश लगा और तुमको नौकरी देगा, इसलिए हम 2.50 रुपया खर्च किया मस्का लगा, लेकिन साहब खुशी नहीं होते। हाँ लगता है तुम्हारा ये मस्का असली नहीं है। असली नहीं है? क्यों साहब असली नहीं है तो हम असली लेकर आ जाए। असली है तो फिर तुम हमको नौकरी क्यों नहीं देते? हमको वली खान बोला कि साहब जो है वो तो बिल्कुल दरिश्ता है, उसको बोलेगा वो ताबड़तोब नौकरी देगा, फिर हमको नौकरी क्यों नहीं देता है? खान तुमको वली खान ने भेजा? हाँ खुदा कसम वली खान भेजा हमको। तो आज से इधर तुम्हारा नौकरी एकदम
करे बाबा तुम बोलते ये सब क्यों नहीं बोलते हैं तुम भी क्यों नहीं बोल देते हो समझता क्यों नहीं असली मालिक हुआ है ये बोला तो फिर पक्की नौकरी तुम्हारी मालिक है अरे तुम सबका मालिक है हमारा सलाम खुदा आपको बरकत दे खुदा आपको सलामत बिल्कुल ठीक लेकिन हाथ उधर और ये मस्का उस पर अरे तुम बैठो बैठो अरे साहब तुम भी बिस्मिल्लाह करो ये लीजिए 5,000 रुपए पूरे 15 गोनी के हैं मगर लाला जी 8 रुपए का भाव लगाकर आपने अच्छा नहीं किया राधे श्याम सेठ जी आप भी तो 28 रुपए किलो बेचेंगे मार्केट में मिठाई को आपका हकम है ठीक है ठीक है तू चुप रह सेठ जी आप जाइए मैं आपका माल भिजवा देता हूँ नमस्ते नीम जी जी काने को काना नहीं कहते जाओ किसी ठेले वाले को बुला लो मगर होशियारी से अभी बुलाता अभी बुलाता ये भी किसी काने से क्या कम है बोल भाई देख भाई 15 बोनी लेके जाने का है पिछली गली से ग्रैंड रोड ग्रैंड रोड पैसे कितने दोगे 10 रुपए हाँ 15 लूंगा 15 रुपए अच्छा 15 रुपए दूंगा हाथ मिला मिला कहाँ जाना आओ मेरे पीछे चलो आ जा भाई क्या शक्कर नहीं है शक्कर नहीं है हाँ शक्कर नहीं है चलो 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 थमाल के रखो देखो बेटा तुम खेलो मैं भी आता हूँ जाओ जाओ भागो भागो क्यों नहीं है शक्कर ये सवाल सरकार से पूछो हमारे पास अभी तक कोटा नहीं आया कैसे नहीं है मैंने अभी अखबार में पढ़ा तो अखबार वालों के पास जाओ हमारी दुकान में शक्कर नहीं है कहाँ बेटा कहाँ जाता अमरेन जी बोलिए है कि या भूसा है एक ही है पुलिस में खबर मत दो मुझे क्या मालूम था कि कोटा भी आएगा बच्चे अभी चक्कर ले आया है चलो 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 लाइन में खड़े खबरदार बच्चे पे हाथ उठाया तो आराम खोरी खुद करता है बच्चों को आराम कर बोलता है चला जाएगा भाई वाले मेरे सर के ऊपर हाथ उठाता है मैं तेरा हाथ तोड़ दूंगा तो बच्चे का आदमी सेठ को मारता है मेरा हाथ तोड़ देगा हाथ बेटा उधर चला जा तू अरे हाथ तोड़ देगा मेरा मरी गयो अरे कहाँ सर फोड़ दिया और तो कुछ रो रहा है इतना सा खून निकला है क्या हुआ है अब बात निकल देखिए इंस्पेक्टर साहब इस रात में मेरे मुनीक तक फोड़ दिया 2 किलो खून निकला है बात बात निकल रहा है मेरे जीने में चाचा 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 Thank you.
किसका है रे तू? चाचा इधर आ तो, कहाँ है तेरा चाचा? चाचा वो, हाँ, और तेरा कोई नहीं है? नहीं। राम राम राम, बेचारे का कोई नहीं। ए बेटा, ए गीले कपड़े उतार दे, मैं तुझे दूसरे कपड़े देती हूँ। तू फिकर ना कर, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है बेटा, तो मेरे पास रहेगा। हाँ वाह वाह, बैठ बैठ। अरे तुझे तो भूख लगी होगी ना, रोटी खाएगा? हाँ देती हूँ देती हूँ। ए ले बेटा खा, भगवान पेट दे तो रोटी दे, और रोटी न दे तो पेट भी न दे। ये हाय हाय तो मीठा, खा बेटा खा, तुझे नहीं कह रही हूँ मैं, खा। मिलाकर मैं उस्ताद, आप यहाँ? इतना खूबसूरत बच्चा कहाँ से उड़ाया रे? कैसी बातें करते हैं उस्ताद, मैं क्या बच्चे चुराने वाली हूँ? आज रात को दफ्तर में भेज देना, मैं भर्ती कर लूंगा और इसकी कमाई का आधा हिस्सा तुझे भी दूंगा, समझे? चल राका। चाची क्यों इतने क्यों इतने की मिले? आराम जादे, अगर कल इसे डबल नहीं लाया तो मैं कहीं चमड़ी में ढेर दूंगा। बाबा जादे क्या जाना, अरे राजा गुलाब को अभी तक नहीं आई। आज बड़ी मेहनत की मेरे बेटे ने, छींची से क्या लगाया है मां पर? जानता मैं तेरी ये क्या लाई हूँ, क्या मिठाई खाएगा ना? हाँ तुम अभी लग गई। क्या है बेटा? बच्चा कहाँ है? बच्चा? बच्चा बच्चा तो भाग गया। हाँ राम, जाने उसे कैसे पता चल गया कि कानिया बच्चों को पकड़ के लड़ा लल्ला बनाता है, उनसे भीख मंगवाता है। राम जादी तूने बताया होगा, उसे कैसे पता चल गया? अरे राजा तेरे द्वितीय की कसम, मुझे क्या पड़ी जो मैं बताऊँ, मैंने नहीं बताया बेटा। सच सच बता दे बुढ़ी। उन चिमजियों को छल छल हो रही है, समझा? नहीं राका सर, उसमें तो बिल्लियों ने बच्चे दिए हैं। बच्चे नहीं है, भौंका भी दिखा दो। जा चल रे कबूतर। नहीं नहीं। क्या हो रही? मेरे हाथ में धुएं चल रही थी, धीरे धीरे में जमा करेगा। मैं तेरे पाप पत्ती हूँ राका, इसे मेरे पाप बने दे, देख मैं कितना भोला बच्चा है। ताकि मैं इसकी कमाई खाए क्यों? मैं अपनी सारी कमाई तुझे दे दिया करूंगी, देख इसके हाथ पाँव लगे मिले न कर, कितना सुंदर है इसको तरस का बेटा। तरस नहीं नहीं नहीं। राजा लूले से लंगड़े भिखारी पर लोग ज्यादा तरस खाते, अगर लंगड़ा बच्चा खूबसूरत और मासूम हो तो कंजूस भी अपना पटवा खोल देता है। उस्ताद को बुलाकर औरों के कहती थी इसे लंगड़ा मुलामत बनाना। हाँ। ने, अता, बोले। आगो। चाची बेटा कैसा है मेरा घर? इन बच्चों का पोजीशन ले लो सर। अरे चलो इसे, चलो बेटा चलो मेरे साथ चलो। हाँ? ये बच्चा हम तुम्हें नहीं दे सकते क्योंकि हम जानते हैं कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, और भीख मांगना या मंगवाना दोनों गुनाह है। लेकिन सरकार, तुम जा सकती हो। ऐसा इन बच्चों को चिलन एक आश्रम में ले जाओ। बहुत अच्छा, चलो बच्चो चलो। टिंकू चाची
बेटा, तुमने मुझ भिखारी को जरा सी खुशी दी थी, वो भी छिल गई। चलो जाओ बेटा, जहां भी रहो खुश रहो। चलो या राजेंद्र। हाँ भैया। हाँ जी। ओके। ये देखिए, ये ठीक है। ऐसा करो, इसे सेठ रघुनाथ के पास भेज दो। कार, कार। वो वही साइट पे हैं। और देखो, उसे एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद उन्हें एक्सप्लेन कर दूंगा। तुम इन अमीरों को नहीं जानते, हैंडल लेके आ जाते हैं और कहते हैं इसके हिसाब से पूरा मकान बना दो। क्या समझे? समझ गया। हैंडल लेके आ जाते हैं और कहते हैं कि रात में मकान बनवा दीजिए। आपको अक्सर सूचना दी जाती है कि आपके भाई वीरेंद्र शाह और उनका परिवार दुर्घटना में मारे गए। शारदा, तुम से कोई लौट थोड़ी आएगा। अच्छा देखो, तुम्हें बच्चों का बहुत शौक है ना, कल ले चलूंगा बहुत सारे बच्चों के पास। याद है ना कल क्या है? हाँ, तुमको का जन्मदिन। हाँ, उसी की याद में कल सरस्वती अनाथालय चलेंगे। अनाथ बच्चों को जब अनजानी मां का प्यार मिलेगा तो बहुत खुश होंगे। ये रशीद है, मां जन्म देते ही मर चुकी है, बाप 6 महीने पहले ही गुजर चुका था। और ये हमारे चौकीदार का बेटा पीटर, अब वो भी इस दुनिया में नहीं है। ये बच्चा भी 4 दिन हुए यहां आया है, पुलिस ने इसे भिखारियों के गैंग से बचाया है। इसका नाम टिंकू है। क्या बात? क्या हुआ? कुछ नहीं, जाने क्यों रह रहकर उस बच्चे का ख्याल आ रहा है। अगर आज हमारा टिंकू होता तो इतना ही बड़ा होता ना। हाँ। मेरी एक बात मानोगे? ये भी कोई पूछने की बात है? कब? क्या हम किसी तरह उस बच्चे को गोद नहीं ले सकते? मैं जानती थी आप इनकार करेंगे, इसीलिए मैंने पहले नहीं कहा था। चलिए खाना खा लीजिए। इतनी सी बात का बुरा मान गई? सच पूछो तो मेरे मन में भी यही बात आई थी टिंकू को देखकर। सच? लेकिन कल सुबह लाकर दीजिए मुझे टिंकू। हाँ, लेकिन सुबह तो मुझे। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, अगर आप टिंकू को लाकर मेरे गोद में नहीं डाल देंगे तो मैं उनका एक दाना भी नहीं खाऊंगी। शारदा, शारदा आई। नहीं लाई टिंकू को। क्या बताऊं शारदा, आज सुबह कोई माँ बाप उसे अपना बेटा बनाकर ले गए। मेरे पहुंचने में कुछ देर हो गई। I'm sorry. रहने दीजिए, इतना सा काम कहा वो भी नहीं कर सके। मैंने कहा ना मुझे मत छेड़िए, मेरा मूड ठीक नहीं है।
अरे भाई कमाल है, मैंने क्या किया? आंटी, टीकू, मेरे बेटे, आप बहुत बुरे हैं। निमित ऐसा मजाक किया जाता है। भाई मुझे क्या पता था कि तुम टिंकू से इतना प्यार करने लगी हो। नहीं तो फिर लो लो अपना रेक्सी भी आ गया। नहीं, ये तो अपना रेक्सी है। देखो इसे प्यार करो, ये ऐसे बोलो हेलो रेक्सी। हेलो रेक्सी। क्यों हुआ बेटे, गिलास टूट गया? कोई बात नहीं, बहुत से आ जाएंगे। जाओ खेलो।